सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एयर द गेमिंग वीडियो। सो गाइज यार, आज की इस गेमिंग वीडियो के अंदर यार बात करेंगे एक बेकार मतलब सबसे वाहियात न्यूज़ के बारे में, जो कि सुनने के बाद तुम्हें शायद गुस्सा आ सकता है। शायद क्या, वैसे तुम्हें गुस्सा आएगा ही कि भाई मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई एक गेम के पीछे ऐसा भी कर सकता है। अभी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचते। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि पबजी मोबाइल पाकिस्तान के अंदर बैन होने वाला है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फिर से पबजी मोबाइल के ऊपर बैन लगने वाला है पाकिस्तान में। इससे पहले भी पबजी मोबाइल पहले बैन हो गया था पाकिस्तान के अंदर, फिर से अनबैन हो गया था, लेकिन दोबारा से भाई इस पर बैन लगने वाला है। अब इसके पीछे भाई क्या स्टोरी चल रही है, क्यों बैन लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि भाई पाकिस्तान के रहने वाले एक लड़के ने, जिसकी उम्र सिर्फ यार 14 साल थी, मतलब सिर्फ 14 साल के एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को गोली मार के हत्या कर दी। मतलब सिर्फ एक गेम के पीछे कि भाई पबजी मोबाइल खेलता था, उसके फैमिली मेंबर्स भाई यही मतलब उनका गुनाह था कि वो मना कर देते थे कि भाई तू पबजी मोबाइल मत खेल, जिसके चक्कर में भाई उस लड़के ने अपनी पूरी फैमिली की हत्या कर दी। और बाद में भाई मतलब यही जो न्यूज़ है, इसके चलते वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो पब्लिक है, बस यही बोल रहे हैं कि भाई अगर पबजी मोबाइल ना होता तो भाई ऐसा सीन नहीं होता जो कि इस लड़के ने किया है। मतलब कि भाई सारा ब्लेम फिर से पबजी मोबाइल के ऊपर डाल दिया है, फिर से टारगेट कर दिया है पबजी मोबाइल को। अब माना कि भाई इस बंदे ने जो किया एकदम गलत किया है, कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई कोई ऐसा कर भी सकता है गेम के पीछे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब इससे पहले भी काफ़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है कि भाई कि मतलब काफ़ी सारे बंदे अपने पेरेंट्स का भाई पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, जिसके चक्कर में भी यार मतलब गेम काफ़ी बार बैन होते होते बचा है। लेकिन इस तरीके की हरकत मतलब यार काफ़ी वैसी है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, भाई फिर से पबजी को टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई गेम को बचाओ बचाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक मतलब ये थोड़ी कि यार किसी गलती की वजह से गेम को टारगेट किया जाए। अभी जितने भी पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं जो कि BGMI का कंटेंट बनाते हैं, अगर आप उनके नज़रिए से देखोगे, क्योंकि भाई हमारे इंडिया के अंदर भी पहले गेम बैन हुई थी, तो आपको पता है कि भाई कितनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन इस बार पबजी मोबाइल भाई पाकिस्तान के अंदर बैन हो रहा है, तो आप उनके नज़रिए से सोच सकते हो कि भाई कितना यहाँ पे बेकार सीन है। अब देखो, किसी की गलती की वजह से अब कुछ कह नहीं सकते कि भाई उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, लेकिन फिर भी किसी की गलती की वजह से किसी गेम को टारगेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप किस चीज़ को किस वे में लेके जा रहे हो वो तो यार आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं गेम की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे तुम यहाँ पे किसी का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। तो तुम यार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भाई तुम्हें क्या लगता है, इस इंसिडेंट के बाद गेम को टारगेट करना सही है या फिर नहीं है, तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लेकिन फिलहाल तो यार कुछ है था आज की वाली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार इसी तरीके की वीडियोज को देखने के लिए देखते रहना यार क्लच मास्टर गेमिंग। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।